या जी, लोगों ने मन बना लिया है कि लोग अब पार्टीबाजियां नहीं देख रहे। उसका एक कारण है कि देखिए, सिद्धांत वाली बात पार्टियों में ख़त्म हो चुकी है। किस प्रकार से केवल मुझे हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, किस तरीके से अपने सारे असूल पार्टियां भूल के आज इकट्ठी हो चुकी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता भी अब इन चीज़ों से ना कहीं बड़ी दुखी है कि नेता बोलते कुछ हैं और कुछ बोलने के बाद जनता जब उस रास्ते पे चल पड़ती है तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। और मैंने हमेशा जो राजनीति की है वो मैंने हमेशा, एक तो होती है, एक पॉलिटिशियन पहले प्राथमिकता पार्टी को देते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ कि मैंने हमेशा सरसा की जनता को प्रायोरिटी दी है। और मैंने कोई भी आज तक काम किया तो वो सिरसा की जनता के हित के अंदर पहले बात करके काम किया। और लोग आज इसीलिए और पार्टियों से कहीं ना कहीं तंग हो के कि किस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाद में जिस तरह से मक्खी को दूध में से निकाल के फेंकते हैं वो काम हो रहा है। अब जो बीजेपी के लोग भी हैं आप वो देख लीजिए, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या ये, ठीक है। इनेलो के जो लोग हैं उनको ये नहीं समझ आ रहा ये उनके साथ हुआ क्या, कि जब वो नारे लगा कर थक गए थे, आज वो एकदम से उनके साथ उनके जिंदाबाद के नारे कैसे लगा दें। तो जनता हमारे साथ है और बहुत उत्साह का माहौल है। मैं पिछले 7-8 सालों से लगातार जनता के बीच में हूँ और समस्या मैं भी अच्छे से जानता हूँ सारी। हमारी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, हमारे मोहित जी खड़े हैं, सब हम जनता में रहने वाले लोग हैं। हमें ग्राउंड लेवल तक पता है क्या प्रॉब्लम्स है, सरकार आएगी, हमने कैसे उन चीज़ों को, उनका हल निकलवाना है। और जो लोग यहाँ रहते ही नहीं उनको फिर पता भी क्या हो। देखो, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस को ये पता होता है कौन से घर में कितने वोट हैं, तो क्या ये नहीं पता होता कि कौन सी गली के नुक्कड़ पे कहाँ नशा बिक रहा है। अब हम बेकू गाँव के अंदर खड़े हैं, यहाँ पर नशे की इतनी मार है आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जो है दुर्गति हो रही है हमारी युवा पीढ़ी के साथ, ये इस करके इसके खिलाफ तो सख्त एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी, और सरकार आएगी। हमारा टारगेट भी सबसे प्रायोरिटी पे यही रहेगा कि हम नशे को जड़। देखो जी, इतने साल हो गए अपने तरफ से प्रयास करते को, मैं जब बीजेपी में भी था, बीजेपी की सरकार भी थी, तो मैंने कभी भी दरी बिछाने में उनके अगेंस्ट कभी मैंने गुरेज नहीं किया। तो अपना लड़ाई लड़ेंगे अपने सरसा के हकों के लिए, हालात बदलेंगे, बिल्कुल हालात बदलेंगे। बदलाव के लिए तो संघर्ष हो रहा है इतने साल। सतिकाल जी, सारे भरावान को बेनती है कि यार कि वध चढ़ के भाई गोकुल का सपोर्ट करनी है तो वध चढ़ के ही वोटा पाउनिया आप, ठीक है। बहुत वधिया इन्हें 5 साल तो काम करते आए हैं, तो गां इदा ही काम करे, जो हरेक बंदे की गल सुनगे, तो ये अपना आपका इलैक्शन आ, सारे आपका समझ के तो भाई नू वध तो वध गोकुल सेतिया जी जिताओ, वध तो वध वोटा पाओ। मुद्दे बहुत है सर, मुद्दों पर खरे उतर पाएंगे? हाँ जी, हरेक पहला नहीं उतरते पाए जी, जिथे कोई बुला अद्धी रात को 12 बजे उदों भी जाते हैं जी, तो अगे भी उतरन गए।